राममय पूरा देश है, राममय मध्य प्रदेश है, और राममय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। वो तस्वीर है राम दरबार के सामने। सर, चर्चाएं बहुत है राम मंदिर को लेकर, लेकिन चर्चाओं के बीच में विपक्ष जो है वो एक आमंत्रण को ठुकरा रहा है। ऐसा मौका तो बार बार मिलता नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, सारा वातावरण राममय है, पूरा देश जाने को उत्सुक है। हम तो मन मार के बैठे हुए हैं कि इस समय नहीं जाना। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि ज्यादा भीड़ ना आए, बाद में दर्शन करें। लेकिन ये दुर्भाग्य मानता हूं मैं कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का, जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है। ये तो भारत की पहचान मानने से ही इनकार कर रहे हैं, भारत की पहचान को अस्वीकार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति और आदर्शों को अस्वीकार कर रहे हैं, जन भावनाओं को अस्वीकार कर रहे हैं। शायद भगवान जिसको दारुण दुख देता है उसकी मति पहले से ही हर लेता है, और इसलिए कांग्रेस इस गति को प्राप्त हो रही है। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि जो राम, श्री राम की जो पुरानी मूर्ति है वो कहाँ है, मतलब इस तरह से सब बातें भी कर। ये तो पहले भी भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते थे, क्योंकि इनके लिए श्रद्धा और आस्था का विषय ही नहीं है। आप कार सेवक खुद रहे हैं, आप उस वक्त क्या हुआ था थोड़ा सा अगर बताएंगे कि उस क्षण को लेकर। उत्तर प्रदेश में हमने घुसने की कोशिश की थी, घुसने से रोका गया, फिर हम पैदल हमने जाने का प्रयास किया तो गिरफ्तार किए गए थे, जौनपुर जेल भेजे गए थे। 8 दिन तो हम जौनपुर जेल में रहे, और फिर भी छूटने के बाद हमारी जिद थी कि जाएंगे अयोध्या जरूर, रामलला के दर्शन करेंगे। तो छूटने के बाद फिर अयोध्या पहुंचे थे और टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन करके लौटे। एक लंबा समय निकला और अब राम दरबार और श्री राम के जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस वक्त आप ओरछा में भी राम के ही दरबार में रहेंगे, क्या पूरी तैयारी? देश के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है, भगवान राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराज रहे, और इस अवसर पर मैं ओरछा में भगवान की भक्ति और पूजा में लीन रहेंगे। हम भजन भी गाएंगे और उत्सव भी मनाएंगे। अक्षर चावल लेकर आप भी अक्षर लेकर गए हैं घर घर जाकर कि लोग पहुंचे वहां पर, या फिर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो अपील ये है कि घर पर ही राम, नहीं अपने घर पर ही भगवान राम के अपने मंदिर में भगवान राम के दर्शन करें और भव्य दीपावली मनाए, दीपोत्सव मनाए। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक पल है और पूरा देश राममय है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, News 24 भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।